हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की लंबित डीए और एरियर की मांग का मुद्दा गरमाया हुआ है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहीं सरकार की ओर से शुरू डैमेज कंट्रोल की कवायदों के बीच शनिवार को अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के दोनों गुटों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। दोनों गुटों ने डीए एरियर बहाल करने समेत कर्मचारियों की विभिन्न मांगे सीएम के सामने रखी। साथ ही दोनों गुटों ने अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ को मान्यता देने और जल्द जेसीसी बनाने की भी मांग उठाई है। दोनों गुटों की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री की तरफ से जल्द जेसीसी बनाने और डीए एरियर बहाल करने को लेकर आश्वासन दिया गया है। वहीं मान्यता को लेकर दोनों गुटों में खींचतान तेज दिखी। दोनों गुटों ने जेसीसी अपने अधीन होने का दावा ठोका है। आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ बैठक थी। बैठक के माध्यम से वो कर्मचारी साथियों के जितने भी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रख सके। उनमें से कुछ समस्याएं जो थी उनका समाधान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कर भी दिया। कुछ बातें ऐसी हैं जो मुख्य हमारी मांगे थी। सबसे पहली मांग हमारी हमेशा यही रहती है कि विभागीय जितने भी पद खाली चल रहे हैं उन सब पदों को जो है वो भरा जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि इस संबंध में एक तो सेक्रेटरी महोदय को आदेश करे हैं कि इस विषय में जो है वो आगे बढ़ा जाए और एक प्रपोजल तैयार किया जाए। और हमें भी महासंघ को भी ये कहा है कि आप भी अपने स्तर पे जो है एक प्रपोजल तैयार करें और एक महीने के बाद जो हम फिर से बैठक करेंगे और जितने भी खाली पद हैं इन सबको भरने की हम प्रक्रिया, वैसे भी हमारी प्रक्रिया चल रही है लेकिन इसको हम और तेज़ करेंगे। इस विषय को हमने पहले नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि हमारे जो कर्मचारी साथी हैं, सबसे पहले तो कर्मचारी साथियों को काम का जो बोझ कर्मचारी साथियों के ऊपर है उस बोझ को जो है वो कम करना हमारा उद्देश्य है। और उसके साथ साथ अगर ये सारे खाली पद भरते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रदेश के बेरोज़गार युवा हमारे साथी हैं जिनके भी लगातार हमें फ़ोन कॉल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार मैसेज आते हैं कि आप हमारे लिए भी कुछ कीजिए, तो ये सीधा एक तरीका था जिससे हमारे कर्मचारी भी लाभान्वित हो सकते हैं और हमारे बेरोजगार साथी भी इसमें जो है उनको भी लाभ मिलेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जो हमारा मुख्य उद्देश्य मिलने का था वो प्रदेश में 2.75 लाख कर्मचारियों की जो संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बारे चर्चा हुई और बहुत सकारात्मक चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे आश्वस्त किया कि विधानसभा सत्र के बाद आप मुझसे दोबारा मिलिए, बैठक कीजिए और उसके बाद इसका निर्णय हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से सभी कर्मचारियों को कहना चाहूँगा कि 3 महीने के अंदर अंदर हमारी संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक होगी। आप मांगे क्या रखी है, मान्यता मिलनी चाहिए, किस संगठन को मिलनी चाहिए? मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहा मैं जिस संगठन से आता हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ और वर्तमान में मैं हिमाचल प्रदेश गैर सरकारी कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष और 5वीं बार अध्यक्ष हूँ और उस संगठन में लगभग 35,000 कर्मचारी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सब बातों को जानते हैं, किसे मान्यता मिलनी है किसे ना मिलनी है, जिनके साथ कर्मचारी है मान्यता उनको मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की जो संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक होगी वो त्रिलोक ठाकुर के संगठन के साथ होगी और वो भी हमारे बड़े छोटे भाई है, उनसे भी निवेदन है कि वो इस मंच पर आए और कर्मचारियों के जो मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसमें कर्मचारी भी परेशान है सब मिलजुल कर इन मुद्दों का सोल्यूशन निकालें और सॉल्व करें। बहरहाल मुख्यमंत्री की तरफ से जल्द जीसीसी बनाने और डीए एरियर बहाल करने को लेकर आश्वासन दिया गया है। पंजाब के सी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।